Okay, Assalamualaikum. So now we are going to start our second week lecture. So let's start. Hamari ek slide pichle lecture se reh gayi thi and it is connected to the previous assignment. And previously hamare paas assignment thi, uske saath next move karenge. So प्रीवियस असाइनमेंट हमारी ये थी कि हमने कंप्लीट जो लर्न किया अपनी प्रोफाइल बनाई थी और उसमें प्रोफाइल बनाकर प्रोफाइल को अपडेट करना था मार्केट के मुताबिक. तो नेक्स्ट में हम अगर के सब लोगों ने, आई होप के सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बना ली हैं और सब लोगों ने विद इन दिस वीक अपना जो काम था प्रोफाइल बनाना, गिग्स बनाना, गिग्स के साथ साथ उनको मार्केट करना, वो कर लिया. तो इसमें ये होता है कि आप विद इन 24 आवर आपको अपवर्क और फाइवर पे रिस्पांस आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है. तो अगर एक्सेप्टेड है तो गुड एंड वेल, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिन लोगों की एक्सेप्ट नहीं हुई तो वो किस तरीके से अपनी दोबारा क्या चेंजेस करेंगे, तो वो अगेन उनकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी फॉर द एक्सेप्शन. And let's move. तो सबसे पहले ये है कि gigs जो accept नहीं हुई, जिन लोगों की accept नहीं हुई, तो it means कि उन्होंने keywords right select नहीं किए. आप लोग अपने keywords again जाकर, आपको पिछले lecture में जिस तरह बताया वो keyword search करना, तो आप वो lecture दोबारा देखें जाकर, उसमें keyword searching दोबारा देखें उसका lecture और again आप keywords adjust करें. एडजस्टमेंट ये नहीं कि आपने बिल्कुल कीवर्ड चेंज करनी है, अपनी स्किल चेंज कर देनी है, नहीं, बिल्कुल आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आगे वाला वर्ड पीछे कर सकते हैं, पीछे वाला वर्ड आगे कर सकते हैं, तो आपको कीवर्ड्स एग्जैक्ट मिल जाएंगे. आपको थोड़ी मार्केट रिसर्च और करनी पड़ेगी फाइवर पर, अपवर्क पर जाकर डिफरेंट प्रोफाइल्स, टॉप रेटेड प्रोफाइल देखनी होगी तो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे. After that, अगर आपके keywords वही सेम है तो it means अगर आप ये are you sure के आपके keywords सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो next में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो ये है कि आपने keywords वो अपने title में किस तरह use करने हैं. एक तो आपने keywords ले लेने हैं और अपने title में use करने हैं, like I will develop logo, I will design logo for you, I will design वेबसाइट फॉर यू, आई विल डेवलप वेबसाइट फॉर यू, इस तरह आई विल डेवलप मोबाइल ऐप फॉर यू, इस तरह लेट किया. किसी का एक कीवर्ड है लोगो डिजाइनर, तो वो अपना टाइटल लिखता है आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू, तो कीवर्ड इसमें आ गया टाइटल में. तो फिर ये आपका जो कीवर्ड है डिजाइन लोगो, ये नेक्स्ट आपने यूज करना है वही सेम यूज कीवर्ड इन द टैग्स. जब आप प्रोफाइल बनाते हैं और जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो उधर आपके पास एक ऑप्शन आता है टैग्स का, उन टैग्स में आपने लोगो डिजाइन, डिजाइन लोगो, ये टैग्स जो ऑलरेडी फाइवर की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं. जैसे हम डिजाइन लोगो करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फाइवर या अपवर्क आपसे पूछता है, आपको सजेशन देता है, तो उसमें आपने सर्च करने हैं कि लोगो डिजाइन, डिजाइन लोगो, वो आपने सिलेक्ट करना. वो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट प्रोफाइल ट्यून अप होती जाएगी विद योर कीवर्ड्स एंड टैग्स के अंदर जाकर आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं. नेक्स्ट है यूज दीज कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन 5 times. अब फाइवर पर ये ऑप्शन, जब आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो आपके जो अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अंदर एक वर्ड 5 times आपको अलाउड है, लाइक एक सिंगल जो कीवर्ड है वो आपको 5 times अलाउड है. तो आपने सीक्वेंस के अंदर जो वर्ड्स लिखने हैं, अभी मैं आगे जाकर आपको उनकी एग्जांपल भी दूंगा, तो आपने वही कीवर्ड्स सीक्वेंस के अंदर 5 times यूज करने हैं. लाइक मोस्ट टाइम आप 5 times यूज करते हैं तो वो फाइवर के जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके साथ मैच करेंगे. आपकी कंप्लीट प्रोफाइल, जब आपकी प्रोफाइल में कीवर्ड टाइटल में भी होंगे, टैग्स में भी होंगे, उसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, तो वो मैक्सिमम मैच करेगा. एंड कीप अलाइव ऑन द फाइवर, क्या अपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन रखें एंड रीसबमिट करें अपनी एप्लीकेशन, अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग रीसबमिट करें. ये 3 चीज़ें
करके तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी जो रिजेक्टेड प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये कीवर्ड्स हैं, ये टिप्स थी। तो इंशाल्लाह पहले तो जो हमने आपको लेक्चर दिया उनके मुताबिक अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप प्रोफाइल रिजेक्ट नहीं होगी, और अगर रिजेक्ट हो भी जाती है तो फिर आप ये गिग एडजस्टमेंट यूज करें। अगर नेक्स्ट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है तो गुड एंड वेल, अगर फिर भी अप्रूव नहीं होती तो यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस रिपीट। तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक गिग की एग्जांपल है जिसकी इस गिग का टाइटल है आई विल रीटच ब्यूटीफाई बॉडी स्किन इस तरह। अब इसमें इसके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, इसका एक कीवर्ड है स्किन, स्किन टचिंग, स्किन ब्यूटीफाइंग। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसका पढ़ें तो इसमें सबसे पहले परफेक्ट लुकिंग स्किन, रिमूविंग स्किन, फिर उसके साथ आई बैग्स, इम्प्रूव स्किन, उसके साथ रिड्यूस। आई मीन कि ये देखें, इन्होंने एक ही स्किन की मल्टीपल जो स्किल्स हैं उसके पास वो उन्होंने प्रोवाइड किया, और स्किन का वर्ड उन्होंने 4 times यूज किया अपनी एक 1 line के अंदर। तो दैट यही चीज मैं आपको शो कराना चाह रहा था कि आप सीक्वेंस के अंदर वर्ड बाय वर्ड आप अपने कीवर्ड यूज करें। इनके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, जिस तरह रीटचिंग है, रीटचिंग इमेज है, और उसके साथ फेस ब्यूटी है, डेट्स में। और आप मल्टीपल इसकी एग्जांपल देखने के लिए फाइवर पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दीज वर द टॉपिक्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कमिंग टू द पोर्टफोलियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो फ्रीलांसर के लिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इज समथिंग जहां पर आपका एक्सपीरियंस, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मोस्टली जो मोस्ट आज सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड चीज होती है पोर्टफोलियो में, वो है कि आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और आपका स्किल और आपके उसमें एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी अपवर्क प्रोफाइल है या आपकी फाइवर प्रोफाइल है, वो आपका पोर्टफोलियो है। लेकिन क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई पोर्टफोलियो ऐसे डेवलप नहीं होता, तो आपने ना आपके पास रिव्यू होता है। तो आपने ये करना है, आपने एक प्रोफाइल बनानी है अपनी, जिसे डिज़ाइन करा सकते हैं आप उसको, जिस तरह हम कहते हैं वेबसाइट बना लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जाके आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो योर ओन पोर्टफोलियो, ओन पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपके अपने नाम के हिसाब से, लाइक अगर एक लोगो डिज़ाइनर है और किसी का, अगर कोई लोगो डिज़ाइनर है ibrahim.com के नाम से एक वेबसाइट जिसपे आपका तमाम पोर्टफोलियो पड़ा होगा, तमाम आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी स्किल्स एंड समथिंग ऑल एवरीथिंग। एंड मूविंग ऑन ब्रांडिंग, ये पोर्टफोलियो का लेक्चर मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि बिकॉज आप हम ये लेक्चर आप इसलिए नहीं ले रहे कि आप 1 week, 1 month या किसी सिर्फ एडवेंचर के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक इट योर लाइवलीहुड, आप इसे रोजी रोटी कमाने बनाने जा रहे हैं। तो दैट्स वाई आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाना है कि कहीं पर भी क्लाइंट के लिए आपकी एक्सेस बहुत ईजी होनी चाहिए। आपके पास मल्टीपल, लाइक आप फाइवर पे है, अपवर्क पे है, लेकिन आपकी एक मेन वेबसाइट होनी चाहिए। लेट किया कि फाइवर या अपवर्क किसी दिन बंद हो जाता है, किसी दिन उनके ऊपर लीगल लॉज की वजह से वो बंद हो जाता है, तो आपकी एक अपनी पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसपे क्लाइंट कभी भी आके आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो ब्रांडिंग में ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखें, ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैं आपको, इसका एक इमेज नजर आ रहा है। इसमें स्टार्ट में ये है मेरा नेम वगैरह है और ईमेल वगैरह है, जहाँ पर प्रोफाइल समरी है। मैं आपको पर दिखा देता हूँ। ये है,
तो जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर स्टार्ट में गो टू माय प्रोफाइल करते हैं, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल समरी आ रही है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आप सर्विसेज देते हैं, फिर आपकी इधर रिज्यूमे आ जाती है, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशंस एंड पोर्टफोलियो में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, के पोर्टफोलियो में आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप ये एग्जैक्ट मल्टीपल जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप किसी भी मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी डेवलप्ड मौजूद हैं, आप किसी भी वेबसाइट को उठा के अपने नेम वगैरह इंप्लीमेंट करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या सबसे बेस्ट जो है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो है wix.com। wix.com पे जाएंगे, ये अगर कोई आप में से डेवलपर नहीं भी है, क्रिएट ए वेबसाइट यू आर प्राउड ऑफ, आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट बनाएंगे, आप अपनी पिक्चर, आप अपने इसमें पोर्टफोलियो, आप अपने प्रोजेक्ट इसमें डाल सकते हैं, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो होगा जिसपे कभी भी आपको क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट कर सकता है। और जब हम नेक्स्ट जाके हम लेक्चर लेंगे बिडिंग का, जो हम बिडिंग का लेक्चर है, तो उसमें भी नेक्स्ट थिंग आएगी कि आपका जो है पोर्टफोलियो की वेबसाइट जो है वो कितना मैटर करती है, तो वो नेक्स्ट जाकर हम देखेंगे। और इधर साथ में आपके पास क्लाइंट्स का फीडबैक होता है, तो और उसके साथ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। दीज आर द बेसिक थिंग जो आपको पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होनी चाहिए। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल थी, आप विक्स पर जाकर अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप से आप अपने खुद डिजाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, या आप जाकर अगर आप डेवलपर हैं या कोई भी हैं, आप HTML पेज चेंज कर सकते हैं, HTML लैंग्वेज जानते हैं, तो आप खुद अपनी जाकर HTML लैंग्वेज से अपनी ये बना सकते हैं और होस्ट भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लेक्चर, ये हो गई पोर्टफोलियो की बात। उसके बाद है जो मोर मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, हाउ टू बिड एंड हाउ टू ऑफर। एक्चुअली दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड मे बी ये थ्रू हाउ टू बिड एंड हाउ टू ऑफर थ्रू आउट द आपके फ्रीलांसिंग के कैरियर में चले, आप एवरी टाइम सीखते रहेंगे कि ट्यून अप चेंजेस किस तरह होंगी इस। और ऐसा भी होता है कि मल्टीपल क्लाइंट्स को आप डिफरेंट बिड्स और डिफरेंट ऑफर्स के साथ डील करते हैं, और जो इसमें बेसिक थिंग्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक बिड में, एक ऑफर में बेसिक थिंग्स क्या इंक्लूड होनी चाहिए, जिनकी वजह से एक क्लाइंट आपके बिड और ऑफर रीड करे, उसके बाद वो सोचे कि दैट्स गुड ऑप्शन, कि आप एक गुड ऑप्शन है, आपके साथ डील की जा सकती है, आपके साथ ऑफर की जा सकती है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल्स बन चुकी हैं एंड होपफुली आप सबकी प्रोफाइल्स अप्रूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बिडिंग का है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट के बिडिंग लेक्चर वुड बी मोस्ट रेलेवेंट। तो लेट्स स्टार्ट ऑन, लेट क्या कि किसी भी क्लाइंट ने पोस्ट किया हुआ प्रोजेक्ट कि आई नीड दिस मोबाइल ऐप, आई नीड लोगो डिजाइनर, आई नीड वेबसाइट और आई नीड सम IoT सॉल्यूशन। तो आपने सबसे पहले तो बिडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ये बिडिंग के मल्टीपल एक फैक्टर्स आ रहे हैं, जो मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपने अपनी बिड में इंक्लूड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरस्टूड थिंग है कि आपको सबसे पहले बिड में ग्रीटिंग्स डालनी चाहिए, जिसमें हाय आप उसकी गुड हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन से एक्सीड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बिकॉज यू आर न्यू टू द क्लाइंट एंड आप उसके साथ एक ही टाइम पे कोई एक उसकी हेल्थ पे या उसकी ग्रीटिंग में पर एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आप सिर्फ ऐसे कहें हाय यू आर इन गुड हेल्थ और नेक्स्ट आप अपना प्रपोजल स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो होगी, विल डिस्क्राइब द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स अगेन टेक्निकली। क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि जब क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होता है, जो आपको ने देख के जिसके ऊपर आप बिड कर रहे होते हैं, तो वो क्लाइंट्स आपने रीड करनी है पहले, रीड करके उसके बाद आपने क्लाइंट्स को अपनी बिड के अंदर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आपने पेस्ट करनी है, नॉट कॉपी पेस्ट, बट आपने अपनी वर्डिंग के अंदर और टेक्निकल वर्डिंग के अंदर आपने क्लाइंट को समझाना है कि आप क्या चाहते हैं,
और इफ इट इज फिजिबल है कि नहीं है, कि कैसे मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, आई मीन कि आपने अपना सोल्यूशन डिस्क्राइब करना है. इधर यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की जगह मुझे लिखना चाहिए था सोल्यूशन. तो आपने क्लाइंट को बताना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, और आपने टेक्निकली उसे बताना है, इवन कि क्लाइंट टेक्निकल है या नहीं है, वो टेक्निकल थिंग्स को अंडरस्टैंड करता है या नहीं, लेकिन आपने टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्लाइंट को ये बताना है. बिकॉज इससे क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि जिस बंदे के साथ मैं डील कर रहा हूँ, he knows the technical things and he is skillful and he is efficient, he will not waste my time. वो मेरा time waste नहीं करेगा, वो मेरी cost waste नहीं होगी, तो वो satisfied होगा कि जिस बंदे से deal हो रही है he is good in skills. Next thing जो होती है show your experience. Actually you are like, let's say you are graphic designer, आपकी profile पे graphic experience भी लिखा हुआ है, आपकी profile पर आपका स्किल भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज एक स्किल में लाइक डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में मल्टीपल स्किल्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट एप्लीकेशन, सर्वर फ्रंट एंड बैक एंड, इस तरह की. तो दैट्स व्हाई आपने क्लाइंट को बताना है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं और जो नीच आपकी टेक्नोलॉजी है, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, और उसी नीच के अंदर, उसी टेक्नोलॉजी और उसी स्किल के अंदर मेरे पास एक्सपीरियंस है. तो आपने उसे वन लाइन के अंदर बताना है कि मेरे पास सेम लाइक योर टेक्नोलॉजी, सेम लाइक योर रिक्वायरमेंट, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, लाइक आई हैव, आप ये कह सकते हैं, आई हैव रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड द टू प्रोजेक्ट्स, थ्री प्रोजेक्ट्स सिमिलरली लाइक योर रिक्वायरमेंट, दैट्स इट. तो क्लाइंट ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि जो आप प्रोजेक्ट्स हैं, knowing experience, knowing technical things, आप already experienced भी हैं उसमें. So far so good. Moving on to the next time constraint. The next thing is time constraint. आपने client को time constraint बताना है कि इसमें आपने client को actually like कुछ client हरी में होते हैं, उन्होंने जल्दी बनवाना होता है, और कुछ clients के लिए matter करती है quality. तो आपने उन्हें क्वालिटी, वर्क क्वालिटी के साथ रखते हुए आपने उन्हें टाइम बताना है. लाइक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रोजेक्ट लेने के लिए वो ये समझते हैं कि अगर हम एक दिन, एक घंटा या दो घंटे में हम डिलीवर कर देंगे, और वो बताते हैं, और फिर ये होता है कि क्लाइंट या तो आता नहीं है, या वो ये समझते हैं ये कोई रियल वर्ल्ड की बातें नहीं कर रहा, ये किसी और वर्ल्ड की बातें कर रहा है, या इस तरह की. तो आपने क्वालिटी वर्क को पे फोकस करना, और क्वालिटी वर्क के बताते हुए आपने टाइम को, क्वालिटी वर्क को कंसीडर करते हुए आपने टाइम बताना है, और इस टाइम में जितना भी जल्दी आपसे हो सके आप उसे टाइम बता सकते हैं. तो दैट्स इट टाइम कॉन्स्टेंट. इसमें यह भी हो सकता है कि अगर क्लाइंट हरी में है, और अगर आप जल्दी अरेंज कर सकते हैं, आप मतलब कोई और काम, डिफरेंट काम छोड़कर आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं. अगर क्लाइंट मेंशन करता है अपने प्रपोजल में कि मुझे टाइम की जल्दी है, या मुझे वन वीक के अंदर अंदर ये टास्क चाहिए, या वन डे के अंदर अंदर ये टास्क चाहिए, और आप वन डे के अंदर क्वालिटी वर्क दे सकते हैं. आई रिपीट अगेन, अगर आप क्वालिटी वर्क इन वन वीक या इन वन डे दे सकते हैं, तो देन आप बीट करें कि मैं वन डे के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करूंगा. रिक्वायरमेंट्स वन डे, क्लाइंट का ये मतलब नहीं होता कि वन डे के अंदर आप मुझे ऐसे ही बस गुजारा कर दें. वो इट मींस कि वन डे के अंदर मुझे फुल फ्लेज वर्क चाहिए विद द क्वालिटी. सो जब भी टाइम कॉन्स्टेंट आए, आपने क्वालिटी कॉन्स्टेंट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना. दैट्स इट. नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट, क्लाइंट डिपेंडेंट. कॉस्ट इज वेरी क्लाइंट डिपेंडेंट. अगर आप किसी क्लाइंट को जानते हैं और तो आप उसकी कॉस्ट के रिलेटेड जानते हैं, तो आप उसको कॉस्ट खुद अच्छी तरह से बता सकते हैं. लेकिन आप जब आप फाइवर या अपवर्क पर बिड करते हैं, तो आपको नजर आ रहे होते हैं लाइक अदर कितने फ्रीलांसर्स ने बिड किया हुआ इस प्रोजेक्ट पे. आप देख सकते हैं कि 15 फ्रीलांसर्स ने बिड किया हुआ है, 20 फ्रीलांसर्स ने बिड किया हुआ है. इफ यू आर इन स्टार्ट, आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी
प्राइस बिड करनी चाहिए। आप तो देखें, अगर आप स्टार्ट में हैं, आपके लिए वन डे का प्रोजेक्ट इज $20, $30, $50। फॉर इन स्टार्ट आप एक प्रोजेक्ट $5, $10 में भी ले सकते हैं, जस्ट टू गेट द ग्रैब द ऑफर, जस्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड नेक्स्ट यू कैन डिसाइड यूर। सो दैट्स इट। कॉस्ट इज क्लाइंट डिपेंडेंट। अगर न्यू क्लाइंट आया हुआ है तो आपने उसको एक अच्छी कॉस्ट बतानी है, जिस कॉस्ट की तरफ वो अट्रैक्टेड हो। बट कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा भी होता है, अगर आप लो कॉस्ट बताते हैं तो क्लाइंट ये समझता है कि मे बी ही इज नॉट स्किलफुल, ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आपने ये करना है कि एक मॉडरेट प्राइस बतानी है, जिसमें आप ये समझें कि आप अपने कंपेटिटर्स को भी बीट कर रहे हैं और क्लाइंट को भी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज जस्टिफाई कॉस्ट एंड टाइम। अब आपको दो कॉन्स्टेंट, कॉस्ट एंड टाइम, ये आप क्लाइंट एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे, जब क्लाइंट से डील करेंगे तो आप सीखेंगे। एंड आपको ये एट द एंड आपको ये कॉस्ट एंड टाइम जस्टिफाई करना है कि टेक्निकल टर्म्स में कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, और दैट्स व्हाई मैंने ये कॉस्ट मेंशन की है। और अगर आपने शुरू में, मे बी आपको, आप ये खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मे बी आपको जस्टिफाई ना करना पड़े इफ यू आर बिडिंग विद $10, $20, बट इन द स्टार्ट व्हेन यू आर बिडिंग विद $5, $10, यू डोंट नीड। बट जब आप $100, $500, $1,000 के साथ बिड कर रहे हैं तो यू हैव टू डिवाइड, आपको एक कंप्लीट प्रपोजल ड्रा कर देना। नेगोशिएशन एंड द लाइन में, एंड इन द एंड ऑफ द लाइन, आपने ये लाजमी, आपने एक नेगोशिएशन की एक वन लाइन में आपने लिखना है, आपने उसमें ये लिखना है कि आई एम अवेलेबल टू नेगोशिएशन। नॉट जस्ट ये वर्ड्स लिखने हैं, बल्कि क्लाइंट को ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मैं इससे बात करूं, मे बी टाइम या कॉस्ट तब्दील हो सके। तो आपने, इट मींस के एट द एंड ऑफ द लाइन आपने क्लाइंट को ये शो कर लिया कि अगर लेट्स से क्लाइंट आपकी कॉस्ट एंड टाइम से मैं मतलब एग्री नहीं है, तो ही शुड बी कंफर्म के मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट बात हो सकती है, हम एक और बात कर सकते हैं, मे बी कॉस्ट एंड टाइम, नेक्स्ट न्यू कॉस्ट एंड टाइम पे हम एग्री हो सकते हैं। तो आपने एक इन द एंड ऑफ द लाइन आपने ये लिख देना है कि मीट यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग्स इन द डिटेल एंड समथिंग लाइक दैट। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको जाकर कुछ बिड्स एंड प्रपोजल के एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आप उससे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। दैट्स इट। एंड इन द एंड आपने ये है कि टू द पॉइंट रहना है, जो मैंने आपको ऑल पॉइंट्स ये ऊपर वाले सारे बताए, इनमें आपने टू द पॉइंट रहना है। जहां पर डिस्क्राइब क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, जहां पर आप सेकंड पैराग्राफ में क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, तो आपने वहां पर भी टू द पॉइंट रहना। ये ना हो कि आप टेक्निकल डिटेल्स में इतना चले जाएं कि क्लाइंट के पास इतना टाइम ही ना हो कि वो रीड करें। दैट्स इट। मनी बैक गारंटी इज नॉट, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई मोस्ट ऑफ द अपवर्क और फाइवर पे मनी बैक गारंटी के ऑप्शन मौजूद होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो मे बी आपको, अगर न्यू क्लाइंट है तो आप उसे मेंशन कर दें। अगर न्यू क्लाइंट नहीं है, वो ऑलरेडी नो कि मनी बैक गारंटी होती है अपवर्क और फाइवर पे, तो आपको उस पे मेंशन ना करें। अब आ जाती है एग्जाम्पल्स ऑफ बिड्स। अच्छा, ये मैंने ऐसा किया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मैंने एक बिड की थी, मैंने एक प्रपोजल दिया था। कि मैं एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास है जस्ट टू शेयर विद यू। सो मेरे पास मल्टीपल प्रपोजल आए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 30 प्रपोजल आए हैं ऑलमोस्ट। आई कैन शो यू इन द मैसेज बॉक्स। बट मैंने एक्सट्रीम, मॉडरेट और टॉप एक्सट्रीम, बॉटम एक्सट्रीम और मॉडरेट चूज किया ताकि आपको समझा सको। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो 30 में से
20 बिट्स आई हैं उनमें यही लिखा हुआ, हेलो सर आई विल डेवलप योर एंड्रॉइड ऐप प्लीज शेयर द एडिशनल डिटेल। अभी इस बंदे ने लिखा है देखें प्लीज शेयर द एडिशनल डिटेल, इवन के मैंने जो पोस्ट की थी अपने प्रोजेक्ट की पोस्ट की थी उस पर मैंने एडिशनल डिटेल्स ऑल डिटेल्स मैंने दी थी और इसने रीड ही नहीं की मेरी बिड और मेरी पोस्ट रीड ही नहीं की और जस्ट ये मैसेज कर। तो इन ऐसी चीजों से आपने अवॉइड करना है कि प्लीज शेयर द एडिशनल डिटेल। आप अगर कस्टमर ने क्लाइंट ने डिटेल्स नहीं दी हुई तो आप उसे डिटेल्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं लेट्स टॉक इन डिटेल, आप उसे कह सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने डिटेल दी हुई या आप उससे दोबारा बार बार पूछ रहे हैं इट वुड बी इरिटेटिंग फॉर हिम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज आप उसका जो पोस्ट है उसे कम्प्लीटली थॉरली अंडरस्टैंड करें, उसे रीड करें व्हाट ही वांट्स और उसके बाद क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करें। एंड नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट प्रपोजल ये है, ये बेस्ट प्रपोजल है। इस प्रपोजल में लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो मैंने आपको पिछली जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें मेंशन नहीं की तो मैं इधर मेंशन करूंगा। समटाइम्स क्लाइंट्स अवेयर होते हैं कि वो जो जिन डेवलपर से या जिन फ्रीलांसर से वो बात करना चाह रहे हैं तो वो उनका प्रोजेक्ट रीड भी करते हैं या नहीं, तो दैट्स व्हाई वो किसी दरमियान की लाइन में लिख देते हैं कि अगर आप ये रीड कर रहे हैं तो ये निशानी दें या ये लाइन के एंड पे या अपने बिड के स्टार्ट में ना कोई एक स्पेसिफिक लाइन बताते हैं। तो वो तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा वो स्टैंड विद कश्मीर, आपने मेंशन करना है आई विल एक्सेप्ट दोज प्रोजेक्ट विच जो अपने आप पे मेंशन करते हैं वो स्टैंड विद कश्मीर। तो आउट ऑफ 30 प्रपोजल जस्ट दो लोग थे जिन्होंने कम्प्लीटली कम्प्लीट पोस्ट पढ़ी और उन्होंने वी स्टैंड विद कश्मीर लिखा। सो इन्होंने देखें कहा हाय आई एम फ्रॉम लाहौर श्योरली यू आर लुकिंग फॉर ए गुड फिट फॉर योर जॉब पोजीशन। तो इसने आई रेड ऑल द रिक्वायरमेंट यू लिस्टेड इन द शेयर्ड फाइल, तो मैंने एक शेयर्ड फाइल दी जिसमें उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स पढ़ी और इसने यहाँ पर तमाम रिक्वायरमेंट शेयर की। यूजर इज सिलेक्टिंग मल्टीपल टाइम इमेजेस एंड नो अदर फाइल शुड बी डिस्प्लेड एट ऑल द, इसने यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में ऑल डिटेल्स जो मुझे चाहिए वो उसने मेंशन कर दी। सो आई एम सेटिस्फाइड कि जो क्लाइंट जो हम बात कर रहे हैं जो मैं चीज चाहता हूँ हम उसी पर बात कर रहे हैं, कोई और चीज नहीं। फिर नेक्स्ट उसने मेंशन किया आई हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डिंग विद द यूजिंग द फायरबेस और कस्टम एपीआई एज बैकएंड फायरबेस ऑथेंटिकेशन। सो ये डिस्क्राइब कर रहा है जिस टेक्नोलॉजी में आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहते हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म और उस टेक्नोलॉजी में आई एम मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और उसने फिर साथ में ये भी मेंशन करना लाजमी है आई कैन स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ, कि मैं अभी के अभी आप लोगों का आपका मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। दैट्स अच्छा, कुछ क्लाइंट्स को ना प्रोजेक्ट उसी वक्त वो चाहते होते हैं कि अभी, वो ये नहीं चाहते होते कि मुझे 1 week में या 1 day में चाहिए, लेकिन वो ये चाहते होते हैं कि अभी के अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए एंड आई शुड बी गेटिंग प्रोग्रेस फीडबैक एंड समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट, इट्स अ गुड पॉइंट कि आपने आप मेंशन कर दें अपनी प्रपोजल में कि मैं अभी के अभी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, आई एम अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज आप यहाँ पे मेंशन करते हैं ही हैज मेंशन कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, वी गारंटी दैट यू विल बी ग्लैड our work, we are waiting to have a conversation with you and would like to work with you. That's great. फिर उसने next में जो मैं पीछे बताना भूल गया चीजें, next में जो हमें चीजें अपने अपनी bid में include करनी चाहिए कुछ links, 1 to 2 links are enough जहाँ पे आप mention कर सकें, जिस तरह यहाँ mention हुए हैं, यहाँ इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं उन डेवलप्ड एप्लीकेशंस का प्ले स्टोर पे लिंक पोस्ट किए हैं कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट्स मैंने ऑलरेडी डेवलप की हुई हैं, तो आई एम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें हैं जी। एट द एंड आपके यहाँ पर जो जिस तरह हमने शुरू में बात की जो पोर्टफोलियो की, यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो भी पोर्टफोलियो का लिंक भी
सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं काइंडली हैव अ लुक एट माय पोर्टफोलियो एंड नीचे रिकॉर्ड्स में आप जो ये था थॉरो। मैंने एक प्रपोजल का एक बिड का आपको ये अपवर्क में भी यही स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, फाइवर में भी यही स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आप जाकर अपने खुद के एक से दो प्रोजेक्ट पोस्ट करें कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप आपको वहां पर मल्टीपल प्रपोजल्स आएंगे, मल्टीपल बिड्स आएंगी, तो आप उन बिड्स और प्रपोजल को एनालाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि विच प्रपोजल इज बेस्ट। या आप मल्टीपल प्रपोजल से कोई छोटी छोटी बेस्ट चीजें पिकअप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेस्ट चीजें एक प्रपोजल से बताई हैं और ऊपर फैक्टर वाली। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट एक प्रपोजल आया था जहां पर मुझे बेस्ट चीज जो ये लगी पॉइंटिंग इनपुट्स मेंशन करना, एवरीथिंग इन पॉइंट्स मेंशन करना। तो आप ट्राई करें कि जो आप रिक्वायरमेंट्स या सॉल्यूशन मेंशन कर रहे हैं आप वो पॉइंट्स में मेंशन करें, इट वुड बी ग्रेट। और इसका बहुत इंप्रेशन पड़ता है जब क्लाइंट रीड करता है आपका प्रपोजल। दैट्स इट, जो हमने कंक्लूड कर लेते हैं, आपने शुरू में ग्रीटिंग्स देनी है, क्लाइंट को अपना सॉल्यूशन बताना है और सॉल्यूशन पॉइंट्स में बताना है। नेक्स्ट आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है, उसके साथ आपने अपने लिंक्स देने हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिंक देना है। और उसके साथ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट थिंग इन द बिड, यस ये चीज आई थिंक आई हैव डिस्क्राइब, ये एक और प्रपोजल है जो आप रीड कर सकते हैं completely, लेकिन इसमें मैं आपको दो चीजें और बताने जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको से पोर्टफोलियो का जिक्र किया, एक तो ये पोर्टफोलियो है जो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको अपना पोर्टफोलियो शो कराया, ये वाला पोर्टफोलियो। सेकंड थिंग इज, अगर आप डेवलपर हैं, आपके पास एप्लीकेशंस हैं, आपने ऑलरेडी डेवलप की हुई, आपके पास असाइनमेंट्स हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स हैं, या आपके पास कोड जो आपने किया, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप GitHub ओपन सोर्स के अंदर, GitHub इज बेस्ट फॉर द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। आपके वो प्रोजेक्ट्स जो आप ओपन सोर्स करना चाहते हैं, आई मीन के अवेलेबल फॉर एनीवन, तो आप यहाँ पर आकर अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए, ये भी आपकी एक प्रोफाइल है जो कि आप अपनी बिड प्रपोजल में मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मेंशन हुई है। तो ये जैसे ही क्लाइंट ओपन करता है तो उसको शो होता है ओवरव्यू में ये मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, रिपोजिटरीज। इट मींस के क्लाइंट कैन सी कि आपने 47 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, एंड ये मेरे ऑल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हुए हैं, आई हैव मेंशन, और कोई भी क्लाइंट इसको देख सकता है फॉलोअर्स में एंड फॉलोइंग में। That's it. ये है github.com, ये it is owned by Microsoft, और आप यहाँ पर जाकर अपनी खुद की प्रोफाइल यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एंटर करके अपनी न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके आप यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट लाइक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। That's it. ये चीजें थी जो मैंने मेंशन की हुई थी। लास्ट थिंग जो रहेगी, या पोर्टफोलियो के लिए आप गिटहब यूज कर सकते हैं, आप wix.com यूज कर सकते हैं, जिन जो लोग डेवलपर्स नहीं हैं वो wix.com यूज कर सकते हैं, जो लोग डेवलपर्स हैं वो अपनी पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं, उन पोर्टफोलियो को गिटहब पे डाल सकते हैं, गिटहब का लिंक अपनी प्रपोजल में ऐड कर सकते हैं। एंड ये मैंने आपको शो करा दिया। एंड द असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट टास्क फॉर द टुडे दिस वीक इज, आपने एक से दो प्रोजेक्ट्स पोस्ट करने हैं, एंड जैसे आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप उनका रिस्पांस लेते हैं, रिस्पांस करके आपने ऑब्जर्व ऑल रिस्पांसेस करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको यू विल फाइंड द बेस्ट रिस्पांस, आपने रिस्पांस फाइंड करने हैं, डिफरेंट रिस्पांसेस से आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपने अपने बिड्स और प्रपोजल में देखनी है, ऐड करनी है। और जो ये प्रपोजल
मैंने आपको शो कराए हैं, आप ये प्रपोजल देखें, ये अपने प्रपोजल में ये चीजें डालें, एवरीथिंग इंशाल्लाह। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट या प्रपोजल पे, मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरह का प्रपोजल आप डालेंगे तो 90% चांस है क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपको रिस्पांस करेगा। बिकॉज हर बंदा उठ के बिड कर लेता है, हर बंदा उठ के हेलो सर आई विल डेवलप योर एंड्रॉइड ऐप लिख लेता है, हर बंदा आकर आपको करेगा, लेकिन सेटिस्फाइंग जो बिड है वो 30% भी नहीं है, जो फाइवर और अपवर्क पे जो लोग सेटिस्फाइंग बिड कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई जो ये बिड्स में मैंने आपको बताई, ये आप करेंगे तो इट विल बी गुड। एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। एंड अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ईब्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फायदा उठा सके।